आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए चक्षु पब्लिकेशन के रीजनिंग के बुक से रिलेटेड जो है चैप्टर 12 को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज जो है गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। इसमें टोटल आपके जो है 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न कर लेने से मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी लोग ज़रूर कीजिएगा। मेरी गला थोड़ी बैठी हुई है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, फिर भी मैं आपको पूरे समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस आपको जोड़ घटाव गुणा अगर आपको बोर्ड मास आता है और थोड़ा सा जो है आपको लॉजिक है तो आप आसानी पूर्वक जो है ये सभी प्रश्नों को कर पाइएगा। बोर्ड मास यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट का काम, ऑफ का काम, डिवीजन का काम, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम होता है। तो अगर आपको यह आता है तो आप आसानी पूर्वक जो है कर सकते हैं, समझ गए। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न बोल रहा है कि यदि 425 इक्वल 22 है और 648 इक्वल 52 है, 741 इक्वल 11 है, तो 538 इक्वल क्या होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि क्या किया गया है कि जो ये आपका 425 दिया है ना, ये जो आपका 425 दिया है इसको क्या किया गया है कि 4 × 5 किया गया है। ये मतलब कि इधर से दाएं और बाएं का जो है क्या किया गया है, गुना किया गया है और प्लस 2 किया गया है। तो इसको जब कीजिएगा तो 20 + 2 हो जाएगा यानी कि 22 हो जाएगा। तो ये हो गया। उसी तरह जो है दूसरा किया गया है 648 का, क्या किया गया है, 6 × 8 किया गया है और प्लस 4 किया गया है। तो 48 + 4 करेंगे तो यहाँ पर आपका 52 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 741 को किया गया है, 7 × 1 और प्लस यहाँ पर 7 यानी कि 7 + 4 = 11 हो गया। उसी प्रकार हमें यहाँ करना है कितना, 538 को करना है, तो 5 × 8 करेंगे और प्लस में 3 करेंगे, तो 8 × 45 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाना है, 43। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है ये प्रश्न, बताइए मुझे कहीं पर दिक्कत तो नहीं होगा, क्लियर है ना। चलिए, तो यह प्रश्न समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि यदि 127 + 407 हो तो 110 है और 54 + 86 126 है, तो 125 + 232 क्या होगा, समझने का फिर है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 127 है प्लस आपका 407 है, इक्वल क्या है, 110 है। कैसे आया समझने का देखिएगा। तो यहाँ क्या किया गया है कि इसको तोड़ा गया है यानी कि 1 + 2 + 7 और प्लस में यहाँ पर, वन मिनट, यहाँ पर ये हो गया और फिर जो है इसको जोड़ा गया है तो कितना हो गया है, 7 × 2 = 9, 9 = 10। फिर उसी प्रकार इसको किया गया है प्लस वाले को, 4 + और ये बीच में जो है आपका डिवाइड हो जाएगा, बीच में आपका डिवाइड हो जाएगा, 4 + 0 + 7, तो यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा, 11। यानी कि इधर 10 आया, इधर 11 आया, जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका 110 आएगा। यही इसी तरह बनाना है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 125 और प्लस यहाँ पर 232 है तो हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए, 2 × 1 = 3 और 3 × 5 = 8 हो गया और यहाँ पर गुना, और 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7, 7, और जब ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 3 नंबर प्रश्न है कि यदि चिन्ह प्लस और माइनस तथा 5 और 8 को जो है आपस में बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण सही होगा। यानी कि यह प्रश्न में जो है आपका बोल रहा है कि प्लस को जो है माइनस में और 5 को जो है
आपको 8 में बदल देना है, यानी कि जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, जहाँ पर 5 है वहाँ 8 कर दीजिएगा, जहाँ पर 8 है वहाँ पर 5 कर दीजिएगा। तो आपको ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा समीकरण जो है सही है। तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, पहले ऑप्शन को लेते हैं, यहाँ पर 8 2 माइनस 3 5 प्लस 55, समझ गए, इक्वल 2। तो हमें बदलना क्या है, 5 की जगह 8 कर देना है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, और 8 की जगह 5 भी हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर 8 है तो ये वाला 8 की जगह हम लोग 5 कर देंगे, 2 कर देंगे, माइनस 3 है, और यहाँ पर 5 है तो 5 की जगह हम लोग 8 कर देंगे, और ये माइनस था तो माइनस की जगह हम प्लस कर देते हैं, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस की जगह माइनस, और 5 की जगह क्या हो जाएगा, 5 की जगह जो है 8 8 हो जाएगा। तो अब इसको समीकरण कीजिए, तो यहाँ पर देखिए जब इसको जोड़िएगा तो 8 2 10 और 5 और 3 8 1 9 माइनस 88, यानी कि 90 में से 88 को अगर हम घटाते हैं तो हमारा 2 बचता है, यानी कि यह समीकरण क्या है हमारा, यह समीकरण हमारा सही है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 4 नंबर है, और यह प्रश्न आपसे बोल रहा है कि एल जो है निर्दिष्ट करता है डिवाइड को, यानी कि एल जो है डिवाइड को कर रहा है, एम जो है किसको कर रहा है, गुना को, एम जो है आपका गुना को कर रहा है, और प्लस किसको कर रहा है, पी जो है प्लस को कर रहा है, पी जो है प्लस को कर रहा है, और क्यू जो है आपका माइनस को कर रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यानपूर्वक, कौन सा कथन आपको सही नज़र आ रहा है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 एम का मतलब गुना, फिर यहाँ पर 18, क्यू का मतलब माइनस, 26 एल का मतलब डिवाइड, और यहाँ पर 13 पी का मतलब प्लस, 7 इक्वल 173/13। तो ये तो बटा में तो आएगा नहीं, बटा में क्या आएगा, अगर हम इसको 13 से काटते हैं तो 2 आ जाएगा, प्लस 7 करते हैं इक्वल यहाँ पर 173/13 हुआ, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा आपका 18, 6 गुने, समझ गए। अब यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 6 48 और 6 4 10 108 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 7 इक्वल इतना, जब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 115 माइनस 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 113 आएगा, लेकिन यहाँ से इतना दिया है तो इसका मतलब कि ये तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर 2 को चेक कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी जो है नहीं होगा, क्योंकि बट्टा में यहाँ पर बात कर रहा है ना, फ्रैक्शन में नहीं होगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर 2 भी जो है गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी को पकड़िए, तो सी को देखिए, 9 प्लस पी का मतलब क्या होता है, प्लस, 9 एल का मतलब आपका डिवाइड, 9 क्यू का मतलब आपका माइनस, 9 एम का मतलब गुना, 9 इक्वल। अब यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 डिवाइड काम किए, माइनस 9 गुने 9 इक्वल आपका 71 माइनस है, तो ये 9 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये माइनस, तो ये जब 10 माइनस 81 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 71 आएगा ना, तो यानी कि इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 5 नंबर प्रश्न है कि यदि पी का मतलब 6 है, जे का मतलब 4 है, एल का मतलब 8 है, और एम का मतलब 24 है, तो दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या निम्नलिखित समीकरण का अभीष्ट मान होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर पी का मान क्या दिया है, 6 दिया है, जे का मान क्या दिया है, 4 दिया है, एल का मान क्या दिया है, 8 दिया है, और एम का मान जो है आपका 24 दिया है। अब यहाँ पर आपका समीकरण यह दिया हुआ है, तो ये समीकरण को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा कि आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, समीकरण को लिख लिए, एम का मान कितना है, 24 गुने जे का मान आपका 4 डिवाइड एल का मान 8 प्लस यहाँ पर आपका जे का मान 4, ये हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 24 गुने क्या हो जाएगा, 4/8 कर सकते हैं, प्लस 4, 4 से कटेगा, 24 गुने 1/2 हो जाएगा ना, और फिर यहाँ पर आपका ये 4 रहेगा, जब इसको 2 से जो है ये 24 को काटेगा तो 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 4 कीजिएगा तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 16, यानी कि यही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है यहाँ तक। बताइए कहीं पर दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बोल रहा है कि
निम्नलिखित समीकरण में स्टार मार्क्स के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों का सही समूह का चुनाव कीजिए। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है, 16 स्टार मार्क्स, फिर यहाँ पर 4 स्टार मार्क्स, 5 स्टार मार्क्स, 14 स्टार मार्क्स, यहाँ पर 6। देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको ऑप्शन से चलना पड़ेगा। पहले नंबर ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, यानी कि 16 / 4, समझ गए, -5 यहाँ पर, फिर आपका जो हो जाएगा इक्वल, वन मिनट, यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या है। तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा तो ये बोला गया कौन सा समीकरण होगा। तो हम लोग पहले समीकरण को यहाँ पर वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर -5 हो गया और इक्वल यहाँ पर आ गया, इक्वल यहाँ पर आ गया तो इक्वल 14 और फिर यहाँ पर गुना 6 होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो होगा नहीं, मान लीजिए काटते भी हैं तो 4, फिर यहाँ पर गुना आपका, सॉरी यहाँ पर 4 हो गया, 16 से 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 5 इक्वल 14 और 6 है, समझ गए। तो ये तो होगा नहीं, ये तो कट जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन गलत हो गया, चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है समझने का प्रयास करते हैं, पहला ऑप्शन नहीं हुआ तो यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर 16 - 4, यहाँ पर आपका गुना 5, फिर यहाँ पर प्लस 14 = 6, क्या ये होगा, ये तो और नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले गुना का आप करेंगे तो 20 हो जाएगा, 16 - और यहाँ पर प्लस 14, 14 और 16 को जोड़ेंगे तो 6 * 4 = 10, 30 माइनस आपका 20, और जब इसको घटाएंगे तो 10 होना चाहिए, यहाँ पर 6 है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, तो ये सी को देखिए, 16 / आपका 4, फिर यहाँ पर गुने 5, फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इक्वल यहाँ पर 14 + 6, यानी कि ये 4 हो जाएगा गुने यहाँ पर 5 होगा इक्वल यहाँ पर 14 + 6 करेंगे, यानी कि इधर भी 20 और इधर भी 20, ये आपका उत्तर बराबर दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर बोल रहा है कि अगर प्लस का डिवाइड और देखिए माइनस का डिवाइड, प्लस का गुना, डिवाइड का माइनस और गुना का प्लस, तब क्या होगा श्रृंखला में, तो दी गई श्रृंखला में कौन सा ही आपका उत्तर होगा उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर ऑप्शन को चेक कीजिए, यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर बोला क्या है, माइनस की जगह हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग जो है प्लस की जगह जो है गुना करेंगे, और डिवाइड की जगह जो है हम लोग माइनस करेंगे, और गुना की जगह जो है हम लोग प्लस करेंगे। तो ये हमारा प्रश्न है 52 और डिवाइड है, तो डिवाइड की जगह क्या करना है माइनस, यहाँ पर देखिए डिवाइड है ना, ये डिवाइड हो गया तो डिवाइड की जगह माइनस 4 और प्लस की जगह आपको गुना करना है, गुना आपको 5, गुना की जगह प्लस करना है और माइनस की जगह जो है आपको डिवाइड करना है क्या 2। अब इसको समीकरण कीजिए और दिखाइए कि यहाँ पर आपका 32 - 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब इसको कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 × 5 माइनस यहाँ पर आपका 52। अब यहाँ पर इसको गुणा कीजिए, 52 - 20 + 4, तो अभी माइनस प्लस तो जुटेगा नहीं, ये जुट जाएगा, यहाँ पर 56 - 20, जब घटाइएगा तो 6 और यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा यानी 36 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर यही हो जा रहा है, बराबर आ जा रहा है ना 36, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर आपका 1 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर 16 A 14 B 8 C और 6 D 2 का मूल्यांकन करें, ए का अर्थ जो होता है डिवाइड होता है, बी का अर्थ जो होता है प्लस होता है, ए का अर्थ जो होता है डिवाइड होता है, बी का अर्थ जो होता है प्लस होता है, सी का अर्थ माइनस होता है और डी का अर्थ होता है गुणे। तो ये समीकरण कीजिए, 16 A है, फिर यहाँ पर 4 B है, 8 C है, फिर यहाँ पर 6 D है, फिर यहाँ 2 है। तो यहाँ पर देखें 16 A का मतलब क्या है डिवाइड, यहाँ पर 4, बी का मतलब 5, सी का मतलब माइनस और फिर यहाँ पर क्या है डी का मतलब आपका गुना 2। सॉल्व कीजिए इसको, तो यहाँ पर 4 + 8 - 6 × 2, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 6 × 12 - 4 + 8, तो ये 4 + 8 कितना हो जाएगा 12 - 12 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कि उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका क्या बोल रहा है कि यदि ए का अर्थ गुना है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ए का अर्थ गुना है, बी का अर्थ जो है माइनस है और सी का अर्थ जो है आपका प्लस है, तो ये वाला समीकरण को सॉल्व कीजिए,
यानी कि 6 ए गुने 6, समझ गए। फिर यहाँ पर आपका बी है 10 बी और यहाँ पर 5, और सी है और यहाँ पर सी 2 सी यहाँ पर 2, समझ गए। ये है तो ए की जगह क्या है गुना, यानी कि 6 गुने 6। फिर यहाँ पर आपका ब्रैकेट में रहने दीजिए, बी का मतलब माइनस, फिर 10 गुने बी का माइनस और सी का मतलब प्लस और 2 प्लस 2, ये हो गया आपका। इसको सॉल्व कीजिएगा, 36 माइनस 5 प्लस 4, तो अब ये दोनों जुड़ेगा, 40 माइनस 5 इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35, समझ गए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्लियर है कंसेप्ट, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, क्लियर है। चलिए अब इसके हम अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि 10वें नंबर प्रश्न है, और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ वीडियो को पसंद कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके चलिए यहाँ पर देखिए, ए का अर्थ गुणज, बी का अर्थ घटाओ, सी का अर्थ जोड़ और डी का अर्थ भागा है तो समीकरण करना है। ए बी सी और डी सबका अर्थ दिया हुआ है, ए का अर्थ गुणा, बी का अर्थ घटाओ, सी का अर्थ जोड़ और डी का अर्थ डिवाइड, समझ गए। तो यहाँ पर 5A 3B और यहाँ पर आपका 2C और यहाँ पर आपका 4D 4, ये हो गया। और इसको सॉल्व करना है, 5A का मतलब गुना 3, बी का मतलब घटाओ, 2 सी का मतलब जोड़, समझ गए, ये हुआ। और यहाँ पर 4 गुने और डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड है, 4 डिवाइड 4, तो यहाँ पर 5 गुने 3 माइनस 2 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिएगा तो बनते हैं कि 15 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 16 माइनस 2 इक्वल 14, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 14। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो है 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके गणित संक्रियाएं थे रिलेटेड, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। ओके जी।